देशबंधु वार्डलक्ष्मी गौतम नगर और ग्रामीणों ने नागरा धाम से हजारों कावड़ यात्रा जन समूह उमड़ पड़ा। गोंदिया विगत 35 वर्षों से आचार्य ललित पुरोहित सुशील शर्मा राजकुमार तिवारी के नेतृत्व में कावड़ यात्रा रजेगांव घाट से कीर्तन भजन करते हुए नगर धाम शिव मंदिर में जल अभिषेक कर महाप्रसाद वितरण किया गया। देखे कुछ झलकियाँ। से 35 वर्षों से मुख्य बाजार क्षेत्र से जो है रजेगांव घाट से शिव मंदिर नागरा धाम के अंदर जो है कागवाड़ यात्रा पंडित ललित प्रसाद जी पुरोहित के भजनों के बिल्कुल सानिध्य के अंदर निरंतर ओम नमः शिवाय की एकदम जो मंत्रों की श्रृंखला चलती है उसी के जो तप्पल के ऊपर जो है यह हमारी कांवड़ यात्रा सम्पन्न होती है। और ये लगातार इसके बाद में ये यहाँ से निकलते रजेगांव से उसके बाद में वहाँ नागरा में शिव मंदिर में जाती है। नागरा शिव मंदिर में अभिषेक पूजन के पश्चात में जो है सभी भक्त लोगों का और कुछ ग्रामवासियों का जो है महाप्रसाद का जो आयोजन किया जाता है कि भगवान नागरेश्वर गौरी शंकर गिरिजा शंकर भवानी शंकर महाकाल हमारे भारत देश की रक्षा करे और गौ माता की रक्षा करे, गौ वंश की वृद्धि हो। अपनी जो धरती है वो गौ माता के गोबर और गौमूत्र से तृप्त होती है, तभी धरती माता अन्न और फल देती है। इसलिए हमारी ये प्रार्थना भगवान नागरेश्वर से कि भारत देश की रक्षा करे और गौ माता की रक्षा करे, गौ वंश की वृद्धि हो। बोल नागरेश्वर महाराज की। वंदे देव उमा पतिम दे जगत कारणाम, वंदे पन्नग भूषण मृगधराम, वंदे पशो नाम पतिम, वंदे शौर्य शशांक वाहनी नयनाम, वंदे मुकुंद प्रियाम, वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदाम, वंदे सेवाम शंकराम। जो सर्वेश्वर भूतेश्वर महादेव को हमको मनाना है, इन भावों के साथ में जब गंगाजल अपने कावड़ में भरकर
उसके अंदर अक्षत पुष्प बिलुपत्र पुष्प इत्यादि से पूजित करके और भगवान महादेव के लिए संकल्प लेते हुए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्तो, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भगवान महादेव, द्वारकाधीश, ये सब हमारे इस माने कावड़ यात्रा से, जल यात्रा से भगवान प्रसन्न होकर सभी का मंगल करे, सभी का आरोग्यवान करे, सुखवान करे और ऐश्वर्यवान करे, इन भावों के साथ में और जगत के कल्याण के लिए, भारत की उन्नति, भारतवर्ष के कल्याण के लिए और जगत के कल्याण हेतु तथा अपने भी कल्याण हेतु भगवान नागेश्वर का भजन करते हुए जब ये जल यात्रा पूर्ण होती है तो भगवान महादेव प्रसन्न होकर अपने शीश पे इस गंगा जल को स्वीकार कर और महादेव जी सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसीलिए हर बार हर कांवड़िया बढ़ते ही जाते हैं मगर कभी कम होते नहीं। का कितना महत्व है, जल के चढ़ाए जम लोक ते उबार ले और चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं।